Hello viewers, very good morning to all of you. All my respected clients, good morning. And आज देखिएगा मैं आपको एक important video बताना चाहता हूँ, वो है face orientation के बारे में. क्यों face orientation ज़रूरी है and face orientation का ध्यान क्यों रखना चाहिए, वो डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगा. वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए एंड बहुत ही इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा. जब कोई आपके घर को प्लान के लिए कोई इंजीनियर आके देगा तो उनको कम से कम भाव तो दीजिए, वैल्यू दीजिए. आपका अच्छे के लिए उन्हें प्लान देते हैं, स्पेशली खासकर मेरे जैसे इंजीनियर्स. ओके, बिकॉज आपका अच्छा ही होना बोल के उन्हें भी प्लान देते हैं. ऐसा ये नहीं है कि आपका बुरा हो फिर बाद में आप उनके पास प्लान लेके फिर मिस्त्री या फिर जो लेबर रहता है उनका मन के हिसाब से आप प्लान दलवाते हैं ना, तो फिर बाद में आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे कि ये घर का भी सेम वही सिचुएशन हो चुका है. स्टार्टिंग में मेरे से प्लान लिया था मैं कॉलम का पोजीशन, थोड़ा बहुत कुछ यार देखो सभी से गलती होता है, बट ऐसा ये मेजर गलती नहीं होते हैं. ठीक है दोस्तों, अब ये लाइफ टाइम आपको दिखेगा, इसको कवर अप आप नहीं कर सकते सही तरीके से, बहुत डिफ़िकल्ट है. ये आप जब भी आप घर एक तो एक तरह का नया डिज़ाइन तो दिखेगा या फिर गलत भी आप मान सकते हैं. बिकॉज 9 इंच का कॉलम कौन सा फेस इनर रहना चाहिए, कौन सा फेस आउटर रहना चाहिए, वो हमें मालूम रहता है. बिकॉज हम जो भी काम करते हैं वो सही तरीके से हम करते हैं. जैसे कि लैपटॉप में जब भी हम सिस्टम में वर्क करते हैं तो हमें मालूम रहता है कि कौन सा फेस आउटर रहना, कौन सा फेस इनर रहना. ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पर भी सेम वही हाल हुआ है. जैसे कि ये आउटर हो चुका है एंड ये वाला जो है 9x18 इंच का कॉलम है. ठीक है, 9x18 इंच का कॉलम अगर ये साइड से उन्होंने दीवार ली है तो अंदर आपको दिखता था अंदर का कॉलम, जो 9 इंच का कॉलम है वो वाला अंदर, वो कॉलम का अंदर दिखता था. बट उनको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जो है आउटर लिया गया एंड अभी आपको लाइफ टाइम दिखेगा ऐसे ही. इसका जो सॉल्यूशन कैसा करना चाहिए, जब भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान बनाते वक्त इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एंड जो इंजीनियर प्लान देगा उसका वैल्यू दीजिए. ऐसा यह मत करना कि वो नया है या फिर अभी छोटा उम्र है उसको क्या समझ में आएगा, उससे बेस्ट तो मिस्त्री या फिर जो सेंटरिंग वाला रहता ओवर कॉन्फिडेंट बंदा, आप उनको ज़्यादा भाव देते हैं. वैसा उन्हों इसका हर वक्त तो इंजीनियर सही नहीं रहेगा, वो भी सही है, बट जो अच्छा इंसान दिल से काम करता है ना वैसे लोगों को आप वैल्यू दीजिए. ठीक है, मैं इस घर के लिए जो है 9x15 इंच का कॉलम दिया था एंड टोटल जो है यहाँ पर जो फिलहाल देख रहे हैं ना 1 2 3 4 रोज़ देख रहे हैं ना, 4 रोज़ उसके बदले क्या है मैं 5 रोज़ में दिया था एंड 5 रोज़ में दिया था 9x15 इंच का कॉलम. सो यहाँ पे जो लिया गया बाद में तो मुझे बुलाया नहीं गया. अब मेरा काम तो है, अब जिस मिट्टी में मैं अपना हाथ दिया हूँ तो कम से कम उसको दोबारा देखना तो मेरा फ़र्ज़ है, मुझे भी खुशी होता है. चलो मेरा क्या गलती है वो देखने भी आता है. तो यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर आप गलती देख सकते हैं, बाद में वो मिस्त्री का अपना अपना हिसाब से बना के अब 4 रोज़ में लिएगा. चलो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गलती जो हो चुका है ये है आपका फेस ओरिएंटेशन ऑफ द कॉलम. एंड यहाँ पर और एक गलती तो बोल सकते भी नहीं, बिकॉज ये जो रेज हो चुका है टोटल 7 फीट तक रेज हो चुका है इनका जो कॉलम्स, मगर जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ना दोस्तों स्टेयरकेस के लिए वो जो है ना दोस्तों वो डाउन में रहना चाहिए. अब देखिएगा इन्हों अब स्टेयरकेस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एकदम ये इनके पास लेंथ है, चलो ठीक है एडजस्ट करेगा, बट एक फ्लाइट में जो है 14 से ज़्यादा स्टेप्स नहीं होना चाहिए. यहाँ पर 100% हो जाएगा 14 से ज़्यादा फ्लाइट्स स्टेप्स एंड अब उतना हाइट पे नहीं लेना चाहिए कभी भी, वो कभी डाउन में रहना चाहिए. ये आपका लिंटल लेवल पे है, वो जो कॉलम है लिंटल लेवल पे है, लिंटल लेवल पे नहीं रहना चाहिए. स्टेयरकेस का जो बीम आता है जो भी हो ठीक है एंड वो उससे भी डाउन रहना चाहिए, जैसे कि आपका सफिशेंट के अनुसार. और वैसे भी और एक चीज़, ये अभी रोड नहीं बना हुआ है तो बेसमेंट हाइट इन्हों कंपलसरी और ज़्यादा लेना ही चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर में अगर रोड बनाए समझो कंपलसरी 1.5 फीट तो हाइट लगेगा ही लगेगा, 1.5 फीट का हाइट आराम से चले जाएगा रोड के अंदर. उस क्यों बोले तो जब गवर्नमेंट से काम शुरू होता है एक नया कॉलोनी में
तो रोड कंपलसरी हाइट लिया ही जाएगा, 1.5 फीट तो आराम से हो जाएगा पूरा फिनिशिंग के साथ। अगर 1.5 फीट का हुआ है तो ये पूरा घर डाउनर में दिखेगा आपको, और रोड लेवल से 4 से 5 फीट लेना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं लिया गया। ओ, इन फ्यूचर में इनको ही दिक्कत हो सकता है, आई थिंक सो। चलो, ये फेस ओरिएंटेशन का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था। सो फेस ओरिएंटेशन ऐसा रहना चाहिए कि वो नहीं दिखना चाहिए। अब मैं आपको और थोड़ा सा प्रैक्टिकल तौर पे दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिएगा ये इनका कॉलम है, ये इनर फेस है, अगर वो है उनका कॉलम, अगर उस फेस पे लिए तो ये घर के अंदर दिखता था, अगर ये लिए तो वो बाहर दिखता है। चलो, इसके लिए वो उसको ही बाहर लिया गया है। तो ऐसा पूरा एकदम 9 इंच, 9 बाय 18 इंच का कॉलम है, 18 इंच है, तो 18 में से 9 चले गए दीवार के लिए, तो बाकी का 9 आपको पूरा फेस को दिख रहा है। तो कभी भी क्या करिए दोस्तों, जब भी आप प्लान मार्कआउट लेते हैं तो इंजीनियर से भी एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। हर वक्त मिस्त्री, हर वक्त इंजीनियर भी सही नहीं रहेगा, एंड एनी टाइम जो है मिस्त्री भी ओवर कॉन्फिडेंट वाला बंदा जो है सही नहीं रह सकता है। तो सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नए जो मन से दिल से काम करता है उनको हेल्प करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा ये नहीं है कि कुछ मालूम नहीं है वो ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट। बिकॉज मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ बोले तो, बहुत सारे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में मेरे वीडियोस देखते हैं आप सभी जैसे क्लाइंट्स हैं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। जो दिल से काम करता है एंड आपका खुद का अच्छा के लिए काम करता है ना, उसको आप एनकरेज करना ज़रूरी है। ओके, बिकॉज वर्कर का काम ये रहता है, उन्हें काम करके चले जाने का ही उनका काम रहता है। एंड फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही आपको और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। कीप सपोर्ट अस टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। हैव ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।